हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं मोमोज, और मोमोज हमने बनाए थे आज सुबह, मतलब स्ट्रेटनिंग करने के दिन, मतलब जिस दिन मैंने स्ट्रेटनिंग की थी उस दिन सुबह। और यहाँ पर हम लोग ना मोमोज एंजॉय कर रहे हैं, तो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मतलब इसकी रेसिपी मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने थोड़ा थोड़ा सा शूट किया था, मतलब ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, थोड़ा थोड़ा सा मैंने शूट किया, बट मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि मोमोज किस तरह से बनाए थे, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। बट ना, मतलब जो चटनी थी हमने उसके साथ, जो चटनी बनाई थी टोमेटो की चटनी, तो बहुत ज़्यादा तीखी बनी थी। एक्चुअली क्या होता है कि मोमोज में भी थोड़ा सा मिर्च डाली थी, और वो चटनी भी तीखी बनी थी, इसी वजह से हमने सॉस लिया था साथ में, टोमेटो सॉस। तो टोमेटो सॉस के साथ फिर थोड़ी सी चटनी और थोड़ी सी टोमेटो सॉस ऐसे करके खा रहे थे हम लोग। तो अभी आपको बताती हूँ कि मोमोज कैसे बनाए थे। गाजर को कद्दूकस कर लिया था, मिर्च डाली थी हरी मिर्च, और जो है उसको कद्दूकस कर लिया था, थोड़ा सा नमक डाला था और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाला था। आप चाहो तो अजीनोमोटो भी डाल सकते हो, अजीनोमोटो मेरे घर पे नहीं था तो अजीनोमोटो हमने डाला नहीं था। और बस इस तरह से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था, वो थोड़ा सा पानी छोड़ता है, तो उसके बाद आपको एक कपड़े में सारी चीज़ों को लेना है, मतलब सारा मिक्सचर को लेना है और उसका पानी निचोड़ लेना है, और अच्छे से वो पानी निचोड़ जाने के बाद एक प्लेट में ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर डो बनाया था, मतलब ये जो मैदे का डो है वो बनाया था मोमोज के ऊपर के कवर के लिए। तो यहाँ पर मैदा लिया था 2 चम्मच, उसमें तेल ऐड किया था, थोड़ा सा नमक ऐड किया था, और ना इसको अच्छे से आटे जैसा गूंदना है, मतलब थोड़ा सा टाइट गूंदना है, ताकि जब हम लोग मोमोज का स्टफ उसमें भरे तो वो मोमोज टूटे ना, मतलब फूटे, तो इसी वजह से वो थोड़ा सा टाइट गूंदना है, तो इस तरह से, और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देना है उसको, और फिर यूज़ करना है। और यहाँ पर मैं बना रही थी मोमोज, तो यहाँ पर थोड़ा सा वो थोड़े से छोटे छोटे से लोइया लेके बेलना है अच्छे से, और फिर उसमें स्टफ़ ऐड करना है, मतलब स्टफ़ भरना है जो हमने मोमोज का स्टफ़ बना के रख दिया था। और ना मेरे पास मतलब स्टीमर नहीं है, तो एक्चुअली स्टीमर नहीं है, तो इसी वजह से मैं ये यूज़ करती हूँ, जो इडली का बर्तन होता है वो, उसमें मैं स्टीम कर लेती हूँ मोमोज को। और यहाँ पर अद्विक भी मेरी हेल्प कर रहा था, अद्विक भी हेल्प कर रहा था, श्रीकांत भी हेल्प कर रहा था, बहुत लोग लग गए थे काम में उस दिन सुबह सुबह, हम लोग उठे थे और ये ही काम में लग गए थे। तो इसी तरह से आपको छोटी सी लोई की पपड़ी बना लेनी है, और इसी तरह से आपको मोमोज के स्टफ उसमें भरना है, और इस तरह से आप देख सकते हो जैसे जैसे कर रही हूँ उस तरह से आप, मतलब उसको शेप देना है। एक्चुअली नहीं भी शेप आया तो कोई बात नहीं, मतलब ऐसा कुछ ये नहीं है, बट वो तो पेट में ही जाता है, बट शेप आया तो बहुत ही अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है दिखने में। तो इस तरह से मोमोज बन जाएंगे हमारे, और इसको स्टीम ले लेनी है बाद में। तो ऐसे करके मैं सारे मोमोज बना लूँगी और बाद में स्टीम ले लूँगी। तो उसके बाद मैंने स्टीम ले ली थी सारे मोमोज की, और जो मोमोज है वो रेडी हो गए थे, फिर हम लोग खाने के लिए बैठ गए थे। तो यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं और मोमोज को एंजॉय कर रहे हैं, और आप भी आ जाइए, मोमोज को एंजॉय करिए हमारे साथ। ऐसे ही बैठी हूँ आराम से, क्योंकि आज तो नहाना नहीं है एक्चुअली, आज नहाने के लिए नहीं बोला है, तो आज तो मुझे नहाना नहीं है, मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ, क्योंकि पानी नहीं लगने देना है बालों को, तो इसी वजह से आज हमने, और फेस वॉश भी ऐसे किया मैंने। आ स्टंट मत मारो, स्टंट मत मारो, देखो अद्विक ना मतलब यहाँ से गुदता है, उसको कितनी बार बोला है, गिर जाएगा तो और लग जाएगा उसे, कितनी बार बोला है मैंने उसको ऐसे कूद, मतलब हाँ पैंट घातला तू ऐसे ना कूदे, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, सब आपसे बात करना चाहते, इधर आओ, पिंपल आ गया शायद, इधर आओ, हाय बोल दो, हाय बोल दो, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, हेयर स्टाइल ठीक कर, ओ ओ हाँ, अब हाय बोलो, हाँ लव यू, लव यू, टेक केयर। अच्छा तो इसी वजह से, और ना फेस वॉश मैंने इतने ऐसे किया, मतलब स्पॉन्ज में पहले तू मॉइस्चराइजर लाओ लो, ओके। तो फेस वॉश मैंने कैसे किया पता है, पहले फेस वॉश लिया ऐसे ऐसे सिर्फ लगाया, और बाल थोड़े से ऐसे कर लिए थे, और स्पॉन्ज से सिर्फ वाइप किया। तो ऐसे करके मैंने फेस वॉश भी किया, और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब खुद को, मतलब थोड़ी सी ड्राई स्किन लग रही है मुझे अभी, तो स्किन केयर भी करना है, पर अभी ये वॉश हो जाए हेयर कल, तो उसके बाद मैं अच्छे से स्किन केयर करूँगी, और उसका वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या करती हूँ। मम्मा मम्मा हाँ, अभी मुझे करना है एक वीडियो को एडिट, उस वीडियो को एडिट कर देती हूँ, उसको अपलोडिंग के लिए डाल देती हूँ, उसके बाद जो करना है काम वो करती हूँ अपने।
नीचे आई हूँ और अभी को खाना है मतलब उपमा, तो इसी वजह से इसने मुझे एडिट भी करने नहीं दिया वीडियो, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ उपमा इसके लिए। उपमा बन जाए उसको खिला दूध, उसके बाद मैं वीडियो एडिट करती हूँ, उसके बाद अपलोड करने के लिए डालती हूँ। तो जैसे ही मैं गई बैकग्राउंड वाइज देना तो ये चिल्लाने लगता है, तो इसी वजह से मैं नीचे चली आई तुरंत। और इसको जो चाहिए पहले वो खाने के लिए देना पड़ता है, और उसके बाद फिर जो काम मुझे करने हैं वो करने पड़ते हैं। तो अभी मैं डाल रही हूँ उसमें रवा, मतलब जो सूजी होती है वो, और रोटी मैं ना क्या करती हूँ इसके लिए, जब उपमा बनाती हूँ ना उस टाइम जो सूजी होती है उसमें भून लेती हूँ माइक्रोवेव में, तो जल्दी उपमा है वो बन जाता है मेरा, नहीं तो सूजी भूनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसी वजह से इस तरह से अगर करते हो तो जल्दी से उपमा बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो और साहबजादे की जिद थी कि उपमा ही खाना है, मैं उसको बोला कि दाल चावल खा लो, दाल चावल बना के रख दिया है मैंने, बट नहीं उसे नहीं खाना है, उसे उपमा ही खाना है। और यहाँ पर चिमनी चल रही है तो उसका आवाज़ आ रहा होगा। टेस्टी बनला की नहीं सांगशील सर्वांना? हाँ। कैसा बना बता के ना। शॉर्ट और अभी मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही बना दिया है क्योंकि माही के लिए भी हो जाएगा, तो इसी वजह से, नहीं तो माही उधर से आने के बाद स्कूल से आने के बाद खाने के लिए मांगती है, तो माही के लिए भी थोड़ा सा मतलब ज्यादा ही बनाया है अभी। और ना इनकी डिमांड माही अलग डिमांड करती है, ये अलग डिमांड करता है, उसके पापा अलग डिमांड करते हैं, उसके पापा तो भी मुझे ज्यादा नहीं परेशान करते, बट ये दोनों बच्चे ना इतना डिमांड मतलब इनकी डिमांड पूरी करते करते तो मैं थक गई हूँ। हाँ आदमी थक, ये देखो इसको तो कुछ भी नहीं लगता है, मतलब आपकी डिमांड आप लोगों की डिमांड पूरी करते करते मैं थक गई हूँ। हाँ थक गई हूँ मैं, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुला काहीच घेणं देणं नाही, काहीच घेणं देणं नाही तुला, तुला काहीच घेणं देणं नाही, इसको कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ मेरे लिए बना के दे दो मैं खाता हूँ बस, और दूसरी डिमांड स्टार्ट है ना अभी। हाँ बस इतना आता है उसको मटकना। चलो जल्दी जल्दी से खा लो, ठंडा हो गया अब। मैं भूखी हूँ मम्मा। अच्छा है? हाँ। टेस्टी बना है? टेस्टी। टेस्टी बा। टेस्टी बा। इसको ऐसे ऐसे चाहिए टेस्टी टेस्टी आइटम। निकल मने टेस्टी बा लुक लुक मने।
गाइस, जैसे कि पिछले ब्लॉग में मतलब पिछले के पिछले ब्लॉग में मैंने आपको एक साड़ी दिखाई थी, मेरे जो अद्विक के बर्थडे वाली साड़ी, मतलब बर्थडे के दिन जो साड़ी पहनी थी, तो वो साड़ी मैंने जब दिखाई थी आपको बहुत पसंद आई थी। मतलब बर्थडे के दिन भी मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा था, और बर्थडे वाले ब्लॉग में सॉरी, और उसके बाद मैंने वो साड़ी दिखाई तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो उसके बाद मैंने आपसे पूछा था कि मेरी और 3 साड़ियाँ हैं सेम उसके साथ ली हुई, तो आपको वो देखना है तो आप कमेंट करके बताइए। तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट की थी कि आपको वो साड़ियाँ देखनी है, तो मैंने सोचा चलो आपको आज के ब्लॉग में दिखा देती हूँ वो साड़ियाँ। तो उसमें से पहली साड़ी ये है, ये गोल्डन एंड ब्लैक कलर में है, वो सिल्वर एंड ब्लैक कलर में थी, मतलब सिल्वर टच था और इसमें गोल्डन टच है। तो आप देख सकते हो ये वाली साड़ी है वो, और इस तरह से पूरी साड़ी है, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। वेलवेट बॉर्डर है इसका इस तरह से, और इस तरह से ये पूरी साड़ी है, मतलब पूरी साड़ी नहीं, हाँ पूरी साड़ी है ये, पूरी साड़ी इस तरह से है, और इसके नीचे सेम फ्रिल है जिस तरह से उस साड़ी में थी, इसी टाइप की ये वाली फ्रिल है सेम उसी साड़ी जैसी। और वो साड़ी पूरी ब्लैक थी, बट ये साड़ी पूरी, ये जो है मतलब पल्लू और ये सारा पूरी साड़ी सेम ही है, मतलब इसका पल्लू भी वैसे ही ऐसे ही है और साड़ी भी ऐसी ही है। और इसका जो ब्लाउज है वो इस तरह से ब्लैक कलर का दिया है, इसी वजह से मैंने इस पर वो वाला ब्लाउज लिया है। मतलब और एक साड़ी है उस पर भी चल जाएगा वो ब्लैक वाला ब्लाउज, बट इन दोनों साड़ियों पर, जो बर्थडे वाली साड़ी है और ये साड़ी है, इन दोनों पर तो परफेक्टली जाएगा वो वाला ब्लाउज, तो इसी वजह से वो वाला ब्लाउज लिया है मैंने। और ये साड़ी कुछ इस तरह से है, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, शिफॉन का मटेरियल है। तो ये साड़ी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आई थिंक ये साड़ी मैंने ली थी, मतलब साड़ी है जो है वो, उसकी प्राइस नहीं याद है मुझे अभी, वो जो क्या बोलते हैं उसे, बिल जो है वो मतलब कहीं गुम हो गया है इसी वजह से। आई थिंक ये 1200 या 1300 ऐसे कुछ होगी ये वाली साड़ी, ज़्यादा महंगी नहीं है ये वाली भी। और फिर नेक्स्ट साड़ी है ये भी उसी टाइप की है, बट ये बहुत ज़्यादा हेवी है, मतलब उस साड़ी से, वो जो बर्थडे वाली थी तो वो बहुत लाइट वेट थी, बट ये बहुत ज़्यादा हेवी है और बहुत ही अच्छा मटेरियल है, मतलब हाई क्वालिटी का मटेरियल है इसका, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा हेवी है गाइस। मतलब इसका जो लुक है फुल लुक इस तरह से आता है, और ये सैटिन की साड़ी है पूरी, तो बहुत ही अच्छा लुक आता है इसको पहनने के बाद। मतलब उन्होंने जब मुझे पहना के दिया था ना सारी साड़ियाँ, और आप देख सकते हो मुझ पर कैसी लगेगी, तो साड़ियाँ जब मुझे उन्होंने पहना के दी थी तब मुझे पता चला था कि ये साड़ी मुझ पर कैसे दिखती है, और इन्होंने देखते ही ना तो ये साड़ी पसंद कर ली थी। तो ये वाली साड़ी उनकी चॉइस की है, और एक साड़ी है उनकी चॉइस की, मतलब सारी साड़ियाँ उनकी चॉइस की है, बट कुछ साड़ियाँ ऐसी होती है ना कि जो देखते ही पसंद आती है, ऐसे वाली है, तो इन्होंने ये देखती ही साड़ी पसंद की थी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मुझ पर एक्चुअली सूट भी करती है। तो ये कुछ इस तरह से मटेरियल है, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है इसका, और क्या बोलते हैं इसको, सैटिन का मटेरियल है, मतलब वो क्या बोलते हैं, वेलवेटी सैटिन का मटेरियल ही है। और आप भी पूरा देख लो इसका, इस तरह से ये पूरी साड़ी है। तो ये वाली साड़ी है सेकंड साड़ी मेरी, मतलब मैं आपको ओपन करके नहीं दिखाती हूँ अभी, क्योंकि उस पर ब्लाउज भी आपने देख लिया और वो भी देख लिया, तो ये है वो साड़ी। और नेक्स्ट साड़ी है ये है थर्ड साड़ी, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि ये जो है ना साड़ी का मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, और इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, आप देख सकते हो ये वाला कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया एक्चुअली ये वाला कलर। और ये साड़ी कुछ इस तरह से है, और ये साड़ी ना इसकी प्राइस मुझे एक्चुअली याद है, ये साड़ी 1800 रुपये की है, 1800 की ये वाली साड़ी, और बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, उसकी जैसी जैसे मैंने बर्थडे के दिन पहनी थी उसी की जैसी लाइट वेट साड़ी है ये। और मुझे लाइट वेट साड़ियाँ ना बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि उसे मतलब इतना संभालना नहीं पड़ता है। और इसे मैं आपको ओपन करके दिखाऊँ या ना दिखाऊँ, मतलब ये साड़ी आप देख सकते हो, इसके ना नीचे ये है क्या बोलते हैं, तो मुझे एक्चुअली ना जल्दी से याद नहीं आता है, ये नेट है इसके नीचे, और इस तरह से ये फ्लावर है नीचे सारे इस तरह से, और ये पूरी साड़ी कुछ इस तरह से दिखेगी, इसका ब्लाउज कुछ इस तरह से है, और ये साड़ी इस तरह से दिखेगी, तो बहुत ही सुंदर है गाइज ये भी साड़ी। और मुझे ना इसका मटेरियल भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है,
और इसका जो मटेरियल है वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और इसका कलर ना शिमरी कलर है, मतलब बहुत ज़्यादा शाइन कर दी। अगर आप नाइट के फंक्शन में भी इसे पहनोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा शाइन करेगी, और इसके ऊपर अच्छे से मेकअप लुक करोगे और अच्छे से एक्सरसाइज करोगे इसे तो बहुत ही अच्छी लगेगी। ये मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। ये वाली साड़ी है मेरी नेक्स्ट थर्ड साड़ी, मतलब तो मुझे ये भी साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो ये है मेरी तीन साड़ियाँ जो आपने नहीं देखी थी और मैंने आपको दिखा दी। तो इनमें से कौन सी साड़ी आपकी फेवरेट है और कौन सी साड़ी आपको ज़्यादा पसंद आई ये ज़रूर बताना मुझे। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपको दिखाई देती हूँ आज फाइनली ये साड़ियाँ, तो आपने देख ली। और इनमें से कौन सी साड़ी ज़्यादा अच्छी है और मुझ पे कौन सी साड़ी ज़्यादा सूट करेगी ये ज़रूर बताना मुझे, और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट करने में आप बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हो आजकल, तो चलिए फिर, और लाइक भी करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हो, तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आई होप ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स, वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।